हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। मीरा देवी लेटेस्ट कटिंग लेकर के आई हैं आज। पंखे कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि वेस्ट कपड़े से पंखे किस तरीके से बनाए जाते हैं और कट्टे से कपड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, हैंड पंखा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर तरीके से हमारे बताने का तरीका है और बनाने का भी, सबसे सिंपल और सबसे ईजी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने ये कट्टा कटिंग कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बहुत ही आसान है और बहुत इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से कट्टा कटिंग किया और कट्टा कटिंग करते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे 6 पंखे बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 इस तरीके से ही कटिंग कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इस तरीके से रखूँगी पंखे को और इस कट्टे को। तो इस तरीके से मैं इसके चारों साइड सिलाई लगा करके तैयार कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कपड़े के अंदर रख लिया और हमारा पता भी नहीं चल गया कि हमारे इसमें कट्टा है या कपड़ा है, क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से यहाँ पर कटिंग करते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से, और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में सुंदर सा हमारा ये इस तरीके से पंखा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी मैं इसको किनारे किनारे सिलते हुए जाऊंगी बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसको सिलते हुए गई बड़े सुंदर तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिल के ये तैयार कर लिया चारों साइड से। तो चारों साइड से मैंने जब तैयार किया है बड़े ही अच्छे तरीके से, और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में बहुत सुंदर हमारे 6 पंखे बन के तैयार हैं फ्रेंड्स, बड़े ही सुंदर तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसमें हमें डिज़ाइन निकालना है तो फ्रेंड्स, चौक से निशान लगा लीजिए पहले, उसके बाद हमें ये डिज़ाइन निकाल करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे हमारा चौक से निशान लगाना तो और डिज़ाइन बनाना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने चौक से पहले ही कंप्लीट कर रखा है और बना करके तैयार कर रखा है डिज़ाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही प्यारे तरीके से हमने इसको तैयार किया है और बहुत सुंदर तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा करके तैयार कर ली, और तैयार करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 6 हैंड पंखे हैं, तो हमने 6 के 6 में अलग अलग डिज़ाइन के तरीके से बनाया है और बहुत ही प्यारा। और देखिए फ्रेंड्स, हाथ से मैंने मशीन से झल्ले नहीं लगाए, यानी कि प्लेटें नहीं डाली इसमें, और हाथ से डाली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हाथ से मैंने बड़ी ही अच्छे तरीके से प्लेटें डाल कर तैयार की है, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से सिलाई लगा करके तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन बना करके तैयार किया है। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से लिया, और लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से, या इस तरीके से डिज़ाइन बना करके ये हमने तैयार किया है फ्रेंड्स, बड़े ही अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स देखिए, हमने बहुत ही कम समय में सुंदर से पंखे बना के तैयार किए हैं, हैंड पंखे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हैंड फैन भी कैसे बोल सकते हैं और हैंड पंखे भी बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सिलाई लगाते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से और कंप्लीट करते हुए बहुत कम समय में सुंदर सी तैयारी की है। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से तैयार करते हुए बहुत ही प्यारे तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से मैंने सिलाई लगा कर तैयार कर लिया, और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका। और कंप्लीट होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमें बैक करके इस तरीके से डिज़ाइन सा निकाल लेना है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से बैक कर करके डिज़ाइन सा निकाल के तैयार कर लूँगी। और तैयार करते हुए देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर तरीके से, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्ट्रेचुअल, यानी कि जैसे हमें उरेवी पट्टी कट कर लेनी होती है, जैसे सूट के बनाने के लिए गले के लिए, तो वैसे ही हमने इसमें उरेवी पट्टी कट करी है। और उरेवी पट्टी कट करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगा करके तैयार कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने किनारे किनारे सिलाई लगा करके तैयार किया है, और तैयार करते हुए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। और सिलाई लगाते हुए देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही प्यारे तरीके से यहाँ पर मैंने, अब दूसरी साइड से हमें इस तरीके से सिल कर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने वैसे सिलाई लगाई, अब मैंने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सिलाई लगाते हुए किनारे किनारे लगाते हुए जाना है,
बड़े ही अच्छे तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने किनारे किनारे सिलाई लगाई और किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए बड़े ही सुंदर तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सिल के कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करते हुए अब हमें इसमें ऊपर की साइड इस तरीके से डांडी लगा लेनी है, यानी कि हैंड के लिए बना लेना है, क्योंकि जिस हैंड से हमें हवा करनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से करते हुए अब हमें एक एक कपड़ा ले लेना है और इस कपड़े को कुछ इस तरीके से सिलते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से हमें कपड़ा ये सिल के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा करके तैयार करूँगी और तैयार करते हुए देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत कम समय में सुंदर से हैंड पंखे बना करके हमने तैयार किए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और फ्रेंड्स, अभी तक आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और नए डिजाइन पंखे देखने के लिए और नए डिजाइन बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखना और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं इस तरीके से पंखे नए नए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सिलते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से और यहाँ पर मैंने सिल के ये तैयार किया है। और तैयार करते हुए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने किनारे किनारे सिलाई लगा करके तैयार कर लेनी है। और इस तरीके से तैयार करते हुए और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने बना के तैयार किया है। और ये पंखा हमारा इस तरीके से यहाँ पर हमने डांडी के ऊपर, यानी कि हैंड जहाँ हमने लगाया है तो वहाँ पर भी हमने इस तरीके से सिल लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये सुई धागे से बनाए हैं प्लेटें। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको हमने सुई धागे से बनाते हुए और इसको किस तरीके से टेक लेना है, यानी कि पंखे के साथ साथ में लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उस तरीका बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरीके से लगा करके ये तैयार किया है बहुत ही प्यारे तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लगाते हुए जाना है। तो लगाते हुए देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा तरीका हमने इसमें लगाया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है हैंड पंखे बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बनाते हुए अब हमने देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लगाते हुए जाना है। तो ये हमने लगा करके कुछ इस तरीके से तैयार कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से लगा लिए। और फ्रेंड्स देखिए, जब हम इसको लगाते हैं तो ये इस तरीके से सुई डालते हैं हम, यानी कि प्लेट के अंदर से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये प्लेटें भी हाथ से बना करके कंप्लीट की हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने प्लेट का जो कपड़ा होता है, तो ये मैंने यानी कि 5 इंच चौड़ाई में लिया था, इसको फोल्ड करके और इसको सिलाई लगा करके फिर ओपन साइड को खोल करके, यानी कि जैसे कि हमें डोरी बदलनी होती है, इस तरीके से हमने ये बदला है डोरी की तरीके से। तो ये तरीका हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बना के तैयार किया है बड़े ही प्यारे तरीके से। और फ्रेंड्स, ये पंखा हमारा तैयार होने जा रहा कुछ ही समय में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरीके से बनाते हुए देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर, कितना इजी है पंखा बनाना, यानी कि हैंड पंखा बनाना। तो ये जैसे कि ये हमारे ये बकाया है, तो ऐसे ही हमें इन्हें भी तैयार कर लेना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको तैयार करेंगे, इन 5 पंखों को, जैसे कि हमने ये 6ठा पंखा बनाया है, बिल्कुल सेम वैसे ही इस तरीके से तैयार करने हैं उन पंखों को भी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए डिजाइन के साथ। ओके, बाय बाय।